अच्छा अच्छा बुद्ध विहार बना है। हाँ बुद्ध विहार अच्छा बना है, वो देख नेचुरल है, हिल भी है, अच्छा साफ सुथरा है, तो सक्सेस वो करता है। लोगों के लिए क्या बताएंगे? क्या बहुत बता? अच्छा टूरिज्म प्लेस है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ भगवान बुद्ध का दर्शन लेके सुख शांति से बैठ के जा सकते, ध्यान कर सकते। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया टूरिज्म है यहाँ पे। कोई मेडिटेशन अगर करना चाहते हैं तो मेडिटेशन भी यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। पीसफुल एरिया है, हिल एरिया, पीसफुल। अगर कोई आना चाहते हैं यहाँ पे जरूर आइए मेडिटेशन करने के लिए। बुधवार और नेचुरल एटमॉस्फेयर भी है यहाँ पे, तो आप लोग आइए। पूज्य बंते जी पंकज ज्योति जी सिक्किम से यहाँ आए हुए हैं। हमारे भाई सुकेंद्र तावड़े जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा बुद्ध विहार और मेडिटेशन सेंटर, साथ ही साथ एडवेंचरस बुद्धिस्ट एडवेंचरस गेम का यहाँ बहुत बड़ा व्यवस्था किया है। गुलबर्गा और तमाम कर्नाटक के महाराष्ट्र के लोग यहाँ आ सकते। यहाँ का एडवेंचरस बच्चों को बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा। साथ ही साथ नीचे बहुत अच्छा बुद्ध विहार बना है, पानी का सुविधा है, रहने के लिए सुविधा है और ध्यान कर सकते हैं, और यहीं पर रुकने के लिए भी सुविधा है। साथ ही साथ हर तरफ बुद्ध का मूर्ति लगा हुआ है, अभी काम चालू है। पहाड़ों में किधर भी देखो उधर भगवान बुद्ध का मूर्ति ही मूर्ति नज़र आएंगे। इधर टोटली गुलबर्गा के करीब एक 30 किलोमीटर में ऐसा बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेस हमारे को कर्नाटक स्टेट में कहीं नहीं मिलेगा। पूरे सर कमला मरगुत्ती कमलापुर के ऊपर हमारे कमलापुर तालुके के मरगुत्ती और डोंगरगांव के करीब ये जो काम किए हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। भंते जी ने भी इसके बारे में बहुत प्रशंसा किए हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये यशस्वी होने दे, इसका सभी उपासकों को इसका लाभ मिले बोल के भंते जी ने सभी स्थलों को देखने के बाद बताए हैं। इसलिए मैं भी सुकेंद्र तावड़े जी को और हमारे उनके टीम को बधाई देता हूं और ये जल्द ही जल्द लोगों को उपलब्ध हो जाए बोल के मैं कामना करता हूं। जय भीम।